बंस कबाब के साथ सर्व की जाने वाली स्पेशल लाल चटनी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने 10 लाल मिर्च ली हैं और ये मिर्च ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसकी जगह स्पाइसी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का यूज यहाँ पर हम कम करेंगे क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। 1/4 चम्मच सादा नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 10 काली मिर्च और 4 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और चटनी को पीसने के लिए हम इमली का पानी यूज करेंगे। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगोकर अच्छे से छानकर उसका पानी अलग कर ले और इसी इमली के पानी में हम चटनी को पीसकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक जार ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, लहसुन और ये सारी चीजें हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी में हम ऐड कर देंगे इमली का पानी। वैसे तो ये इमली के पानी में ही अच्छी पिस जाएगी, लेकिन अगर आपको लगे कि इमली का पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें अलग से थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस सकते हैं। इसको हम कवर करके बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने चटनी को बारीक पीस लिया है और देखिए ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। इस चटनी को हम ज्यादा पतला नहीं बनाते हैं, इसको गाढ़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि ये आसानी से बन पे लग जाए। तो लीजिए, बंद कबाब के साथ सर्व की जाने वाली लाल चटनी बनकर तैयार है।